दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। नाजरीन आप सबका इस्तकबाल है 18 तेलंगाना न्यूज पर। ये एक गलत बात है कि हिंदू वोट सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स को मिलते हैं और मुस्लिम वोट मुस्लिम कैंडिडेट्स को मिलते हैं, बल्कि असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी बहुत सारे गैर मुसलमान वोट मिलते हैं उनको। पब्लिक सेवा को काम देखते हुए गैर मुसलमान उनको वोट डालते हैं, वरना उनको एक MP और 7 MLA जीतना बिना हिंदू वोट्स के मुमकिन ही नहीं है। ये बात एक जलसे के दौरान एक्स चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जफर शेरवाला ने कहा। आइए देखते हैं। वो मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, आपके वांकानेर में एक हमारे MLA जीत के आते हैं, क्या नाम है उनका, पीरजादा साहब। वो ऐसी जगह से जीत के आते हैं, सालों से आते हैं ना, वहाँ मुसलमान कितने हैं, 12% नहीं है, जीत के आते हैं, मतलब वो हिंदू वोट देता है उनको। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ओवैसी साहब जो है ना, मैंने हैदराबाद में देखा है, मैं हैदराबाद में रहा हूँ, ओवैसी साहब बहुत ही मकबूल हैं गैर मुस्लिमों में भी, इसलिए कि वो जिस मार्जिन से जीत के आते हैं हैदराबाद में और उनके जो 7 MLA आते हैं वो बगैर हिंदू वोट के आ नहीं सकते। तो वहाँ वो बहुत ही रिफाई काम करते हैं, हॉस्पिटलें चलाते हैं, उनकी स्कूल चलती है, कॉलेज चलती है, तो वो हिंदू मुसलमान सबको फ़ायदा होता है, वो उनकी वो जो बात करते हैं वो अलग, लेकिन वहाँ हैदराबाद में वो हिंदुओं में भी मकबूल हैं। तो अगर हमारा नौजवान, जो मैं कहता हूँ हमारे नौजवानों को कि भाई जिसको सियासी मैदान में जाना है जाओ, लेकिन आप मकबूल हिंदू क्रिश्चियन पारसी जो भी हैं सब में मकबूल हो गए तो फिर आपकी सियासत चलेगी। ये मुस्लिम वाली जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों ने आज से 50 साल पहले कर दिया कि उन्होंने हर रबर स्टैंप, हर पार्टी के बाद एक दो रबर स्टैंप होते हैं ना, मैं नाम नहीं लेता भाई, कांग्रेस के 2 हैं, समाजवादी भी एक दो रखती है, ताकि बोले मुसलमानों से तो हम डील करेंगे लेकिन दिखाने के लिए ही हैं। मुसलमान को इससे आगे आना पड़ेगा कि भाई मैं लीडर हूँ, तुम नहीं हो मेरे लीडर। ये मुझे मोदी साहब एक बार बोल रहे थे 2013 में, बोले तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये नरेंद्र मोदी साहब के लफ्ज हैं, बोले तुम्हारा लीडर कौन, लालू प्रसाद, तुम्हारा लीडर मुलायम सिंह, तुम्हारा लीडर सोनिया गांधी, तुम्हारी लीडर ममता, बोले तुम्हारा तो लीडर है ही नहीं कोई है, मुझे बताओ भाई ना, मुसलमान कौन, तो मुलायम के पीछे, या उधर तो लालू के पीछे, उधर तो ममता के पीछे, और वही अभी ममता जी किसके वोट से जीते, तुम्हारे वोट से। अच्छा अब तो क्या हो गया है कि वो प्रिटेंस भी नहीं करते, इन्हें दिखावा भी नहीं करते अब तो, पहले तो दिखावा भी करते थे बेवकूफ बनाने का, अब तो वो भी जरूरत नहीं है उनको, बोले मुसलमान का नाम ही मतलब वोट तो हमको ही मिलने वाला है। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहारी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करे 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।